नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं नए नए लोकेशन पर आपको ले जाता हूँ और वो लोकेशन की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ऐसे ही आज कुछ अलग जगह पे जाने वाले हैं और अलग जगह पे जाके आपको वो लोकेशन बताएंगे। तो चलो हम वहाँ चलने की कोशिश करते हैं और आपको वो लोकेशन बताने की कोशिश करते हैं। पर उसके पहले एक बात बता दूँ कि आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। तो कि क्यों अलग होने वाला है, तो कि आज मैं नहीं ये व्लॉग शूट करूंगा, आज मेरी दीदी यानी कि मेरे सिस्टर भी व्लॉग शूट करेगी और आपको वो दृश्य सब दिखाएगी। तो चलो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और वीडियो जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो दोस्तों, आज देखते हैं वो कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसा है वहाँ का सीन, वो सब आपको दिखाते हैं। तो चलो गाइस, आज हम आए हैं एक तालाब पे जो छोटाउदेपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और ये नालेज गांव में से होके आते हैं यहाँ पे। उसका नाम है गोंदरिया। देखिए आप एक बार इसका नज़ारा देखिए, कितना ऑसम है गाइस। और यहाँ पे ठंडा ठंडा पवन और थोड़ी थोड़ी धूप भी है। देखो गाइस, ऑसम एटमॉस्फेयर है, अभी बहुत कूल लग रहा है। यहाँ पे छोटाउदेपुर में से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर इतना अच्छा नज़ारा। वाव गाइस, आप एक बार ज़रूर आइएगा और यहाँ का नज़ारा बहुत आह्लादक है, आनंददायक है। बाइक लेके आए हैं और मैं सबसे यही कहूंगी कि यहाँ पे बाइक लेके ही आइएगा, क्योंकि यहाँ का रास्ता थोड़ा कच्चा है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि सब बाइक लेके ही यहाँ पे आए और इस जगह का आनंद लीजिए। और अब देखिए हमारा सिनेमेटिक वीडियो।